बाइबल कहता है, बाइबल सेज, सेकंड टिमोथी, दूसरा टिमोथी, चैप्टर थ्री, चैप्टर तीन, लास्ट के अंत के दिनों में, इन द लास्ट डेज, हम पढ़ेंगे इस वचन को, वील रीड दिस वर्स, सेकंड टिमोथी, दूसरा टिमोथी, सेकंड टिमोथी, चैप्टर थ्री वर्ड्स वन टू, चैप्टर थ्री वर्स वन एंड टू, बाकी एक और दो, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिंगमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कुतंत, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैर, विश्वासघाती, देश घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हमने काफी बार ये पढ़ा रहेगा, सो they may have read this many times. इसमें काफी सारा चीज लिखा है, lot of things are written here, but इसमें से मैं एक बताना चाहता हूँ, but one thing I'd like to highlight, ये हम दूसरे पर दोष लगाते हैं, लगाने वाले, इसमें लिखा है, it's written here that we put blame on others. और हम देखते हैं कि Luke chapter, we also read in Luca Luke chapter 6 verse 37 chapter 6 verse 37 chapter 6 vakya 37 dosh mat lagao to tum par bhi dosh nahi lagaya jayega doshi na thaharoge tharao to tum bhi doshi na tharaye jaoge shama karo to tumhe bhi shama kiya jayega yahan par yeshu masih ne bataya ki dusre par dosh mat lagao नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। Over here the Lord Jesus says, do not blame others, otherwise you also will be blamed. Do not judge others, otherwise you also will be judged. हम देखते हैं कि जब आदम ने पाप किया, we see that when Adam sinned, और पहला उसने जब उसके अंदर पाप आया, that when sin initially came into his being, उसने खुद का जज करने के बदले उसने परमेश्वर को बताया, परमेश्वर को ये जज की उंगली दिखाया। Instead of judging himself, he told the Lord to judge his wife, कि जो फल मैंने खाया वो मैंने नहीं खाया, but जो जिसको तूने बनाया हवा को उसके उसने मुझे दी। तो he said I did not eat this fruit of my own accord but this woman that you gave me she gave me the fruit। वो चाहे तो सिंपल बोल आदम बोल सकते थे कि परमेश्वर मैंने खाया है। He could have simply stated that I have eaten of this fruit। मुझे माफ कर। Please forgive me। पर उसने ऐसा नहीं बोला। But he didn't say that। परमेश्वर। He said Lord। तूने जिस स्त्री को बनाया। The woman that you gave me। वो स्त्री ने मुझे खिलाई। She is the one who gave me this fruit to eat। तुम देखते कि हमारे आदम से आवा एक नेचर, एक एडामिक नेचर। So we see that we have inherited this nature from Adam। हम हमेशा दूसरे को जज करते रहते हैं। That we are always blaming and judging others। कि चर्च में टाइम पे आते हैं कि नहीं। That whether others come to church on time or not। और मीटिंग में आते हैं कि नहीं। That whether other comes to meetings or not। क्यों नहीं आया? Why didn't they come? वो आ सकता था। They could have come। पर हमको पता नहीं actually। But we don't really know। बट और एक वचन बताना चाहता हूँ, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 4, अनदर वर्स आईड लाइक टू रीड, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 4, पहला कोरिंथियन चैप्टर 4, पहला कोरिंथियन चैप्टर 4, वर्स 5, वाक्य 5 वर्स 5, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं कि समय से आने से पहले किसी का भी न्याय मत करो। Over here the apostle Paul is saying, do not judge before the appointed time. अगर हम देखते हैं कि अगर एक दो चोर यीशु के साथ क्रूस पर लटके थे, we see about the two thieves who were also on the cross alongside Jesus. और सबको 100% मेरे को लगता है कि श्योर रहेंगे कि नरक में जाएंगे। And everyone at that time must have been very sure that these two thieves are going to hell. But हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो स्वर्ग चला गया यीशु के साथ, but we see that one of them ended up going to paradise with the Lord Jesus. किसी को सोचा नहीं रही, सोचा भी नहीं रही कि ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। No one would have ever expected that this person would go to heaven. उन्होंने जज किया, ये तो चोर है। They would have judged this person is a thief.
जिस तरह दो व्यक्ति प्रार्थना करने चर्च में आते हैं, लाइक द सेम वे टू पीपल मे कम टू चर्च टू प्रे, एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, सर मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, सब कुछ, सो वन पर्सन मे प्रे टू हिमसेल्फ सेइंग दैट आई प्रे, आई गिव आर्म्स, आई फास्ट, और दूसरा और एक व्यक्ति आता है, द अदर पर्सन मे कम एंड प्रे, वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इतना योग्य नहीं कि मैं सर उठाकर भी देखूं आपको, एंड ही प्रेज़ टू द लॉर्ड सेइंग लॉर्ड आई एम नॉट इवन वर्दी टू लिफ्ट अप माय हेड बिफोर यू, सी ये सब डिपेंड अपने जज के ऊपर है. It all depends on how we judge. हम खुद को अपने आप को जज करते हैं, दूसरों को जज करते हैं. Whether we judge ourselves or we judge others. अगर समझो कोई बाइक अंदर हमने कुछ कुछ चीज देखा जो सही नहीं है. If कुछ चीज हमने बाइक अंदर देखा जो सही नहीं है. If we see in a fellow brother something that we know is not right. तो क्या करते हैं उसको जज करेंगे. So what would we do? Would we judge? मैं हम इस तरह करेंगे क्योंकि लिखा है अगर तुम जज करोगे तुम्हारे ऊपर भी जज होगा. मतलब कहने का मतलब ये है कि उससे पहले तुम उसको पॉइंटेड कर रहे हो, पहले तुम अपने आप को देखो. So it's written here that if you judge the other person, you too will be judged. So what I'm saying here is before judging the other person, judge your own self. तुम अपने आप को सही हो कि नहीं उस चीज के लिए. See whether you are you yourself are right in this area or not. और मैं किसी भाई को जज कर रहा हूँ कि ये भाई चर्च में टाइम पे नहीं आता. If I'm judging someone else saying that this brother doesn't come to church on time. खुद अपने आप को जज कर रहा हूँ मैं टाइम पे आता हूँ कि नहीं. Judge yourself first whether you come on time. See अगर John 8 में लिखा है. In John 8 it's written. उसमें फरीसी लोग सभी लोग जो स्त्री को पकड़ के लेके आते. The Pharisees who catch the woman who was caught in adultery. और हम देखते हैं कि सभी लोग पत्थर उठा के खड़े रहते हैं. Or at that time every person was standing with a stone in their hand. उसको मारने के लिए. To hit her. पर एक व्यक्ति जो perfect है. But one person who's actually perfect. वो बोलते हैं वही पहला पत्थर वही मारेगा जो सही है. He said the one without sin cast the first stone. देखो अपन सभी जन छोड़ के चले गए. And everyone threw the stones away and went away. और हम वहाँ पर एक सीखने के लिए मिलता है यीशु मसीह परफेक्ट होने के बाद भी उसने एक भी पत्थर नहीं मारा. So we learn over there that the Lord Jesus was perfect. He was still not willing to throw a stone at that lady. एक बार मेरे ऑफिस में. In my office once. एक लेडी ने कुछ तो किया था उसने. There was a lady who had done something. और हमारे शॉप के अंदर तो काफी वर्कर ने एक पेपर साइन किया. So there were many workers in the workshop who signed a paper. और उस लेडी को उठाकर फेंक दूसरे शॉप में फेंकने के लिए. They signed that petition saying that we want this lady to be transferred or thrown into some other department. So काफी उन्होंने एक लेटर बनाया साइन कर सबने काफी लोगों ने साइन किया. So they made a petition and many people signed it. So मेरा टाइम भी आया कि मैं भी वही शॉप पे कि मेरा टाइम आया कि मैं भी साइन करूँ. So even I was part of that shop and my turn came to sign that petition. So permission ने बोला न्याय मत कर, तू उठा के पत्थर मत मार, साइन मत कर, इसका मतलब. So at that time the Lord spoke to me, do not throw that stone, which means do not sign this paper. So हम देखते हैं कि परमेश्वर को पता था कि पहला मैं बाद में को रियलाइज होगी कितना चीज उस स्त्री ने कुछ की है वो तो ओपन हुआ है, बट कितना चीज मेरे अंदर जो छुपा है अभी ओपन नहीं हुआ है, बट सीक्रेट है, परमेश्वर ने माफ किया मुझे, तो मैं क्यों पत्थर उठा उसको पहले. Then I realized what that lady has done is out in the public, but there are so many hidden sins within my own self that the Lord has forgiven. Then why should I not forgive her? परमेश्वर मुझे क्षमा कर. Lord, please forgive me. And give me grace. And give me grace. कि मैं उसको मैं जज नहीं करूँ. That I do not judge her. जज करने वाला परमेश्वर है. Because the one who is going to judge is the Lord.